हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो मेरे दिन की शुरुआत घर के कामों से स्टार्ट होती है। तो आज मैं सबसे पहले अपने बेड को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ, क्योंकि आज मुझे जो है उठने में बहुत ही ज़्यादा लेट हो गई थी। तो मैंने इधर दाल भात, और मैं आज बहुत ही सिंपल खाना बनाने वाली हूँ, दाल चावल एंड चोखा। तो मैंने दोनों तरफ खाना चढ़ा दिया है, क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा उठने में बहुत लेट हो गया था, क्योंकि मुझे रात से ही लग रहा था कि मेरा तबीयत ख़राब हो रहा है। तो धीरे धीरे और ख़राब लगने लगा, तो मैं सोची थोड़ा लेट से उठी। तो इधर मैंने दाल और भात भी गैस पे चढ़ा दिया ताकि दोनों अच्छे से हो जाए। देखिए गाइस, मैं इसे कितने लेट से चढ़ा रही हूँ, टाइम आप देख सक रहे हैं कितने लेट में मैं खाना बना रही हूँ, और अभी तक मैंने कुछ भी नहीं खाया है। फिर घर के कामों में इतने व्यस्त हो गई थी। और कभी कभी क्या होता है गाइस कि जब आपका तबीयत ख़राब होता है ना, तो काम में थोड़ा आलस हो जाता है। तो देखिए ऑलमोस्ट मेरी दाल जो है पक गई है, और चावल में मैंने 3 सीटी लगवाई थी। 3 सीटी में हमारे जो है चावल अच्छे से पक जाते हैं, तो दाल ऑलमोस्ट हो गए हैं। तो अब इसमें मैं छौंक लगाऊंगी। और जब मैं ये खाना बना रही, तो मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा ही मेरे घर के बाहर धूप है, और ये देखिए ये सारे पौधे जो हैं तुलसी के हैं, कितने अच्छे हैं। तुलसी के पौधे जो है हमारे सेहत के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप खाली पेट खाएंगे तो आप लोगों को भी बहुत फ़ायदा होगा। देखिए मेरी दाल ऑलमोस्ट पक गए हैं, अब मैं इसे इसमें अच्छे से छौंक लगाऊंगी। तो गाइस, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इधर मैंने टमाटर और बैंगन और आलू तीनों का मिक्स करके भरता बनाऊंगी। तो मैंने सबसे पहले टमाटर और बैंगन को गैस में पका लिया है। मेरे यहाँ पकाने वाला नहीं है, जो जाली होता है, तो मैंने गैस पे ही रख दिया। और सारे काले पार्ट को टमाटर से और बैंगन से उसको अच्छे से हटा लिया। उसके बाद मैं इसमें क्या क्या डालूंगी, जैसे प्याज, हरी मिर्च, लहसुन को क्रश करके डालूंगी। तो इसका चोखा आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो मैं इसे अच्छे से मैंने टमाटर को अच्छे से पका लिया, बैंगन को और आलू को। इसके बाद मैं इसे अच्छे से चोखा बनाना स्टार्ट करूँगी। इसे आप भरता भी बोल सकते हैं। तो इसमें मैं प्याज सबसे पहले इसे अच्छे से मैश करूँगी। मैश करने के बाद ये सारे चीज़ इसमें मैं ऐड करूँगी। मैंने थोड़ा सा ही प्याज लिया है, क्योंकि मैंने टमाटर बहुत मैंने बहुत कम चोखा बनाया, तो इसके लिए आप अगर चाहें तो ज़्यादा प्याज का यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसे अच्छे से मैश कर लिया। मैश करने के बाद मैं इसमें तेल डालूंगी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तेल नमक अच्छे से मिला दिया। उसके बाद मैं इसे इसमें प्याज लहसुन और मिर्च, लहसुन को मैंने क्रश करके लिया, ताकि वो जो है जब हम लोग खाएं ना ये चोखा, तो उसमें हमारे दांतों में फंसे नहीं। तो मैंने इसमें सारे चीज़ को अच्छे से मिला दिया। मिलाने के बाद ये चोखा मेरा ऑलमोस्ट रेडी हो गया, और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था गाइस। तो खाना बनते बनते भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा, आप लोगों को तो टाइम ही दिखाई बहुत ज़्यादा हो गया था, और खाते खाते भी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। तो क्या करूँ, कभी कभी हो जाता है। तो देखिए चोखा इज़ रेडी, चोखा रेडी है। आज मेरे खाने में सिंपल ही था। थैंक यू गाइस, अगर आप लोगों को मेरा चैनल पसंद